हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीबा। आज हम अपने किचन में एक एनर्जी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो खासकर रमजान के लिए हमने बनाया, क्योंकि हम इसमें दो नेचुरल चीजें इस्तेमाल करेंगे, आलमंड्स और डेट्स। इनमें लगभग सारे ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमें भरपूर एनर्जी देते हैं। तो आइए अब हम अपना एनर्जी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक ग्लास दूध लिया है, या आप जो भी आप यूज करते हो वो आप इसमें दूध ले सकते हैं। और ये हमारे 5 आलमंड्स हैं और ये हमारी 5 डेट्स हैं। ये एक ग्लास के लिए ये रेशो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही हमने ये सैफ्रॉन लिया है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो और स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने ये डेट्स को इसके बीज निकाल लेंगे और बादाम हम अपने छील लेंगे। इसको इसके स्किन हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम अपने ब्लेंडर में डालकर दूध हम थोड़ा डालेंगे और ये दोनों चीजें डाल करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पीस के तैयार हो चुका है और देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा रखा है जो पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें सॉफ्ट खजूर का यूज किया है, बाकी आपकी आगे मर्जी है, आप हार्ड भी यूज कर सकते हैं। और ये बन चुका है और अब हम ये इसको दूध में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा बादाम शेक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये खासकर उन लोगों के लिए जो रमजान में सहरी नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही खास चीज है, जो अगर ये इसको अगर एक ग्लास भी वो इसको पियेंगे तो सारे दिन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी इनको रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।